पार्षद उम्मीदवारों ने जनसंपर्क में झोंकी पूरी ताकत। भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना, कम्युनिस्ट पार्टी सहित अन्य दल हर वर्ग विशेष को लुभाने कर रही बैठकें। बता दें कि नगर निगम का चुनावों का रंग अब अपने शबाब पर है। दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होना शेष रह गया है। ऐसे में जिन क्षेत्रों में अभी मतदान होना है उन क्षेत्रों में प्रत्याशियों के द्वारा लगातार जनसंपर्क भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि पार्षद उम्मीदवारों के नजदीकी रिश्तेदार अपना काम धंधा छोड़कर चुनाव प्रचार में मदद के लिए आ गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार लखनलाल खंडेलवाल वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद प्रत्याशी हैं, जो इन दिनों जनसंपर्क अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसमें वैश समाज के भी कई बड़े चेहरे भी प्रचार प्रसार में जुटे हैं। बता दें कि लखनलाल खंडेलवाल बीते कई समय से वहां पे पार्षद पद पर रह चुके हैं और इस बार भी कांग्रेस की सीट से मैदान में हैं, जिनके द्वारा लगातार लोगों से जनसंपर्क कर वोट की अपील की जा रही है। इसी तरीके से रीवा में वार्ड नंबर 9 से कम्युनिस्ट पार्टी के राम सखी रामू पांडे ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया। बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी से वार्ड क्रमांक 9 में प्रत्याशी बनाए गए राम सखी रामू पांडे द्वारा घर घर जाकर जनसंपर्क किया जा रहा है, जिनके समर्थन में काफी तादाद में महिलाओं ने भी प्रचार शुरू किया है। वहीं देखा जा रहा है कि पूर्व पार्षद रामू पांडे की पत्नी राम सखी पांडे को जनता का काफी समर्थन भी मिल रहा है। बता दें कि नगर निगम रीवा में इकलौती सीट कम्युनिस्ट पार्टी से सिर्फ यही रही है। एक बार फिर मीठा पानी, नाली, सड़क, बिजली जैसे मुद्दे को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब देखना ये होगा कि 13 जुलाई को जनता किसके पक्ष में वोट करती है। आपके मेन मुद्दे क्या क्या रहेंगे? मेरा मुद्दा ये है कि वार्ड के विकास की बातें करें और पेयजल की जो समस्या है अलग है, इसे भी विकास के। इसी तरीके से नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 में शिवसेना प्रत्याशी राजेश साहू को भी अच्छा खासा जनसमर्थन मिल रहा है। बता दें कि शिवसेना पार्टी के महापौर प्रत्याशी श्री कृष्ण गुप्ता को बनाया गया है, तो वहीं शिवसेना पार्टी से वार्ड क्रमांक 19 जयस्तंभ के पास से लड़ रहे वार्ड प्रत्याशी राजेश साहू को बनाया गया है, जिनको जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि राजेश साहू ने मीडिया से बताया कि इस वार्ड में काफ़ी गंदगी का आलम बना रहता है, कभी भी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हुई, हम घर घर जाकर जनता से समर्थन मांग रहे हैं। वहीं वार्ड प्रत्याशी राजेश साहू ने बताया कि अगर हम इस वार्ड से विजयी होते हैं तो सबसे पहले पानी, बिजली, स्वच्छता पर ध्यान देंगे। वार्ड की जनता को मीठा पानी की व्यवस्था करवाई जाएगी, 24 घंटे बिजली का प्रयास किया जाएगा और वार्ड के बच्चों को एक पाठशाला खोली जाएगी। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। किस तरह आपको जनसंपर्क कर रहा हूँ? जी, मैं राजेश साहू, वार्ड 19 से शिवसेना प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी। मैं पूरे वार्ड में भ्रमण कर रहा हूँ। जिस तरह जनता का सहयोग मेरे को मिल रहा है, बराबर मिल रहा है मेरे को, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ गंदगी का आलम जैसे है, रोडों में रोड नहीं है, सड़क नहीं है अच्छे से, और नालियाँ जो हैं भरी हुई हैं पूरी, है ना, और कचड़े का अंबार चारों तरफ लगा हुआ है। कोई पार्षद सुनने को तैयार नहीं था यहाँ का, और ना सुन रहा है अभी भी वर्तमान में जो है। मैं यही चाहता हूँ अपने वार्डवासियों से कि एक बार मेरे को आशीर्वाद दें, है ना, अपना सहयोग दें और फिर विकास देखें वार्ड में कैसा विकास होता क्या है। क्या चुनाव चिन्ह है? चुनाव चिन्ह है अपना तीर कमान, 3 नंबर की बटन है, और शिवसेना पार्टी से हूँ।